अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल फाइन। होप यू रिमेम्बर हमने स्टार्ट किया था कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो कल आपको, कल की डिस्कशन में हमने कैश बुक की डेफिनेशन, उसकी डबल एंट्री और उसका फॉर्मेट समझा था। एक क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया और एक आपसे कहा गया था कि आप खुद करें। होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आपने क्वेश्चन आंसर सेशन में अभी क्लास के एंड पे पूछ लेना। तो आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे कैश बुक के बाद। हियर इज बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट क्या होती है? यू कैन सी अ डॉक्यूमेंट इन विच बैंक रिकॉर्ड्स ऑल द डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स मेड बाय अकाउंट होल्डर और कस्टमर। इट इज मेंटेन बाय बैंक। हम जब किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हम बैंक के लिए कस्टमर होते हैं या उसके अकाउंट होल्डर होते हैं। तो हम कुछ भी डिपॉजिट करें, विड्रॉ करें, तो बैंक जिस डॉक्यूमेंट में वो सब कुछ रिकॉर्ड करता है उसका नाम है जी बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पे थोड़ी सी डबल एंट्री हम समझेंगे, जैसा कि आपने पहले भी सीखी हुई है ओ लेवल्स में। व्हेन वी मेक डिपॉजिट तो बैंक इसको रिकॉर्ड कैसे करता है? कि बैंक उसको रिकॉर्ड करेगा कि अपने पास कैश को डेबिट कर दें और हमारा जो वहाँ पे अकाउंट बना हुआ है कस्टमर अकाउंट, उसको वो क्रेडिट कर देते हैं। दोबारा से समझ लें, जब मैं डिपॉजिट करके आता हूँ तो बैंक के पास कैश इंक्रीज होते हैं, सो दैट्स वाई बैंक अपने पास कैश अकाउंट को डेबिट करेगा और मेरा जो वहाँ पे अकाउंट बना हुआ है उसको वो क्रेडिट करेगा। क्रेडिट क्यों करेगा? क्योंकि जो मैं डिपॉजिट करके आता हूँ वो बैंक की लाइबिलिटी बन जाती है, सो लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट। सो दैट्स वाई एंट्री जो बैंक ने रिकॉर्ड करनी है, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट एंड कस्टमर अकाउंट क्रेडिट या अकाउंट होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट। देन व्हेन वी मेक विड्रॉ तो बैंक इसको कैसे रिकॉर्ड करता है? कि बैंक का कैश डिक्रीज हो जाता है, बैंक अपना जो कैश अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देता है और मेरा जो वहां पे अकाउंट बना हुआ है कस्टमर अकाउंट और अकाउंट होल्डर्स अकाउंट, उसको बैंक डेबिट कर देते हैं। और ये जो कस्टमर अकाउंट या अकाउंट होल्डर्स अकाउंट है, इसी को बेसिकली बैंक स्टेटमेंट हम कहते हैं। जब हम बैंक से एक रिक्वेस्ट भेजते हैं बैंक को कि जी हमारी बैंक स्टेटमेंट इशू कर दें या प्रिंट कर दें, तो बैंक जो है वो इसी हमारा जो वहाँ पे अकाउंट मेंटेन हुआ होता है उसको पेपर फॉर्म में हमें जो हैंड ओवर करता है, तो वो बैंक स्टेटमेंट उसको कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने याद क्या रखना है कि जब हम डिपॉजिट करते हैं तो हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है वो क्रेडिट होती है और जब हम विड्रॉ करते हैं तो हमारी बैंक स्टेटमेंट डेबिट होती है। ये दो पॉइंट्स हैं जो कि हमने बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि इसी की बेस पे आगे हमने बहुत सारी और चीज़ें समझनी हैं। दोबारा से देख लें, जब हम डिपॉजिट करते हैं तो हमारी बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट होती है बैंक में और जब हम विड्रॉ करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट डेबिट होती है। इससे पीछे आए तो हमने जो कैश बुक में सीखा था यहाँ पे क्या था कि जब हम डिपॉजिट करते हैं तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, और जब हम विड्रॉ करते हैं तो कैश डेबिट हो जाता है और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म में हमें याद रखना वो क्या कि जब हम डिपॉजिट करते हैं तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होता है और जब हम विड्रॉ करते हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। ये दो पॉइंट्स हैं जो कि बहुत अच्छे से याद रखने हैं। और इसी तरह से बैंक स्टेटमेंट में हमने क्या सीखा कि जब हम डिपॉजिट करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट होती है, जब हम विड्रॉ करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट डेबिट होती है। थोड़ा आगे आए हमने क्लोजिंग बैलेंसेस को समझने। क्लोजिंग बैलेंसेस आर बैलेंस सीडी। तो क्लोजिंग बैलेंस फॉर कैश बुक बैंक कॉलम, इफ देयर इज डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मीन्स
कि जो हमारी कैश बुक है उसकी डेबिट साइड हैवी है, और हमें बहुत अच्छे से याद है कि डेबिट साइड पे हम लोग डिपॉजिट्स रिकॉर्ड करते हैं या रिसीविंग्स रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर डेबिट साइड हैवी है तो जो डिपॉजिट्स हैं दे आर मोर देन विड्रॉज, और अगर डेबिट साइड हैवी होगी तो क्या होगा, बैलेंस सीरी विल बी रिटन ऑन क्रेडिट साइड, और ये जो बैलेंस होना है डेबिट बैलेंस विच इज shown on the credit side, debit side is heavy, etc. तो ये जो closing balance होगा ये deposited balance होगा कि जी इतने पैसे हमारे bank में deposit पड़े हुए हैं, और इसको positive balance भी हम कहेंगे, deposited balance या positive balance. फिर एक होता है credit balance. याद रखें हम लोग cash book bank column का balance series समझ रहे हैं. Credit balance क्या है जी, when the credit side is heavy. और क्रेडिट साइड हैवी होने का मतलब क्या है कि विड्रॉज आर मोर देन डिपॉजिट्स, और अगर विड्रॉज ज्यादा हो गए हैं डिपॉजिट्स कम हुए हैं क्रेडिट साइड हैवी है तो जो बैलेंस सीडी लिखा जाएगा लेजर अकाउंट में वो डेबिट साइड पे हमें नजर आ रहा होगा क्योंकि क्रेडिट साइड तो हैवी है, द बैलेंस सीडी विल बी रिटन ऑन डेबिट साइड, और ये जो बैलेंस होगा दिस इज नेम्ड एज ओवरड्राफ्ट बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस. तो कैश बुक बैंक कॉलम के बैलेंस सीडीज को हमने समझा. नेक्स्ट बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस सीडी. तो थोड़ी देर पहले हम कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को जब समझ रहे थे तो हमने देखा कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. तो एक तो ये बड़ा सिंपल सा हिंट है कि क्योंकि इनका रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म एक दूसरे के अपोजिट है तो जो बैलेंस सीरीज आएंगे वो भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे. इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में हम याद रख सकते हैं. और अगर डिटेल से बात करें तो बैंक स्टेटमेंट का जो डेबिट बैलेंस है इट मीन्स कि डेबिट साइड हैवी है और इट मीन्स कि विड्रॉज आर मोर देन डिपॉजिट्स, तो ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा या नेगेटिव बैलेंस होगा. तो दोबारा से याद करें, कैश बुक का डेबिट बैलेंस डिपॉजिटेड था और बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट है या नेगेटिव है. और बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस इट मींस क्रेडिट साइड इज हैवी, डिपॉजिट्स आर मोर देन विड्रॉल्स, तो ये जो बैलेंस आएगा इसको डिपॉजिटेड बैलेंस कहेंगे या पॉजिटिव बैलेंस कहेंगे. तो इन शॉर्ट हमें याद रखना चाहिए, हमने जो याद रखना है वो क्या कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस डिपॉजिटेड है और बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट है. फिर कैश बुक बैंक कॉलम का जो क्रेडिट बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट है और बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस डिपॉजिटेड है. इस तरह से ये कंपैरिजन हमें याद रहना चाहिए दोनों का अलग अलग. हियर इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग आइडिया कि ये बेसिकली है क्या. एट मंथ एंड डेट कैश बुक बैलेंस एरी, कैश बुक बैंक कॉलम बैलेंस एरी एंड बैंक स्टेटमेंट बैलेंस एरी शुड बी सेम. व्हाई दे शुड बी सेम, क्योंकि जो कुछ हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट बाय बैंक. हम लोग ऑफिस में कैश बुक मेंटेन करते हैं डिपॉजिट्स विड्रॉल्स रिकॉर्ड करके, तो बैंक में हमारी बैंक स्टेटमेंट एट द सेम टाइम मेंटेन हो रही होती है और वो बैंक मेंटेन करता है. तो क्योंकि दोनों में एक ही चीज रिकॉर्ड हो रही होती है दैट्स व्हाई कैश बुक बैंक कॉलम का बैलेंस सीडी और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस सीडी इन दोनों को सेम होना चाहिए एट द मंथ एंड डेट. इफ बोथ बैलेंस सीडीज आर नॉट सेम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड. ये इसकी डेफिनेशन भी है, कॉन्सेप्ट भी है, आप इसको एज इट इज याद रख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तो हमें समझ आ गई, इसको प्रिपेयर कैसे करना है. इसका फॉर्मेट वही है जो आप लोगों ने ओ लेवल्स में सीखा. सो व्हाट इज दिस, पहले हम बनाते हैं एडजस्टेड कैश बुक. एडजस्टेड कैश बुक को हम लोग अपडेटेड कैश बुक भी कहते हैं या रिवाइज्ड कैश बुक भी कहते हैं. तो ये नाम आपने याद रखना ताकि कहीं पे भी अगर रिक्वायरमेंट में ये टर्म पूछी जाए तो आपको पता हो कि हमने क्या बनाना है. एडजस्टेड कैश बुक, अपडेटेड कैश बुक, रिवाइज्ड कैश बुक, ऑल मीन्स सेम. तो बनाएंगे कैसे कि जो
कैश बुक का बैलेंस होगा, सपोज वो डिपॉजिटेड बैलेंस है, तो उसको उठा के हम डेबिट साइड पे रखेंगे और डेबिट साइड पे मजीद आ जाएगा डायरेक्ट क्रेडिट और यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट डेबिट, डिसऑनर्ड चेक्स और बैलेंस सीडी, दिस इज एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस। उसके बाद हम बनाते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो ये जो एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस है इसी को उठा के हमने आगे लिखना है, ये डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, इस वक्त जो नज़र आ रहा है ये डेबिट बैलेंस है। उसमें हम मजीद ऐड कर देते हैं अनडेबिटेड चेक्स या अनप्रेजेंटेड चेक्स और लेस करवा देते हैं अनक्रेडिटेड चेक्स। ऐड या लेस हो जाते हैं एरर्स, ये ऐड या लेस का जो डिसीजन होगा इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एरर। जब हम प्रैक्टिस में जाते हैं तो समझ आती है कि हाँ भाई किसको ऐड करना है किसको लेस करना है। तो इतनी एडजस्टमेंट्स के बाद जो बैलेंस आएगा दिस विल बी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो ये फॉर्मेट है हाउ टू प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। लेकिन इसकी जो जो कंपोनेंट्स हैं जैसे डायरेक्ट क्रेडिट है, डायरेक्ट डेबिट है, डिसऑनर्ड चेक्स हैं, अनडेबिटेड, अनक्रेडिटेड, इनकी अंडरस्टैंडिंग के बगैर हम कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो ये फॉर्मेट एज इट इज़ आपने लिख लिख के इसको तैयार करना रजिस्टर। तो हम अभी क्या करेंगे, इन टर्म्स को समझेंगे। जो ही हम इन टर्म्स को समझ लेंगे तो हम फौरन क्वेश्चन में मूव करेंगे जो हमने क्वेश्चन आज करना है। तो आगे चलते हैं। हियर इज डायरेक्ट क्रेडिट। डायरेक्ट क्रेडिट, डायरेक्ट क्रेडिट क्या है? ये डायरेक्ट डेबिट था। This is basically direct debit. Direct debit. ये direct debit क्या है? Direct payment by bank. जी इससे पहले हमने जो format सीखा है ये फॉर्मेट एज इट इज जो हमने ओ लेवल्स में सीखा वही था कि व्हेन कैश बुक बैलेंस सीडी एंड बैंक स्टेटमेंट बैलेंस सीडी आर नॉट सेम वी डू प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो इसके लिए जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हमने बनानी है वो दो स्टेप्स में बनेंगी। पहले हम बनाएंगे एडजस्टेड कैश बुक, तो फिर हम बनाएंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, दो हिस्सों में जो बनेंगी। अब इसकी जो सही समझ है वो तभी आनी है जब हम ये कंपोनेंट्स इसके सारे समझ लेंगे कि व्हाट इज डायरेक्ट क्रेडिट, डायरेक्ट डेबिट, डिसऑनर्ड चेक्स, अनप्रेजेंटेड, अनक्रेडिटेड। तो अभी आप थोड़ा टाइम दें कि हम ये सारे कंपोनेंट्स को अच्छे से समझ लें कि ये बेसिकली हमने आइडेंटिफाई कैसे करने हैं, तो फिर हमें और भी बेहतर समझ आ सकेगी कि हाँ जी इनको हम डायरेक्ट क्रेडिट को जो यहाँ पर हम डेबिट साइड पर लिख रहे हैं क्यों लिख रहे हैं, डायरेक्ट डेबिट को क्रेडिट साइड पर लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, डिसऑनर्ड चेक्स यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, एंड सो ऑन। आगे चलते हैं जी, टर्म्स को समझते हैं, ये फॉर्मेट आपने थोड़ा याद कर लेना। सो हियर इज डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट, डायरेक्ट डेबिट क्या है? दिस इज बेसिकली डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर और अकाउंट होल्डर, कि बैंक जो हमारे बिहाफ पे डायरेक्ट पेमेंट कर देता है। और ये जो बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट की है इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट बट इट हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक एट द मंथ एंड डेट। कि बैंक ने जो डायरेक्ट पेमेंट की है मेरे बिहाफ पे तो बैंक ने उसको बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करवा दिया, लेकिन अभी कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई अप टू द मंथ एंड डेट। फॉर एग्जाम्पल बैंक चार्जेस होते हैं कि बैंक से जो हम डिफरेंट सर्विसेज लेते हैं बैंक ने उसके चार्जेस लेने होते हैं, तो ये चार्जेस बैंक ने हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लिए हैं लेकिन हमने अभी तक कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं की,
लेकिन बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डिंग हो चुकी है बाय द बैंक। इसी तरह से स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स क्या होती हैं कि हम जो बैंक को एक रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करके दे देते हैं कि एवरी मंथ बैंक ने एक पेमेंट कर देनी होती है, फॉर एग्जांपल कोई लीज इंस्टॉलमेंट है या कोई इंश्योरेंस इंस्टॉलमेंट है, जो कि बैंक ने मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर देनी। जब बैंक पे करेगा तो बैंक स्टेटमेंट में उसको रिकॉर्ड कर देगा, लेकिन बाई चांस मंथ एंड डेट तक मैंने अपने पास कैश बुक में ये पेमेंट रिकॉर्ड नहीं की, अगर ऐसा है तो क्या होगा, बैलेंस सीरीज विल नॉट बी सेम, दोनों में फर्क आ जाएगा, तो जो हम बाद में रिकॉन्सिलेशन में एडजस्ट करेंगे। उसके बाद है जी डायरेक्ट क्रेडिट। तो डायरेक्ट क्रेडिट क्रेडिट क्या, दीज आर डायरेक्ट रिसीविंग्स बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर आर अकाउंट होल्डर, कि बैंक जो हमारे बिहाफ पे डायरेक्ट कुछ रिसीविंग कर लेता है, ये बैंक में पैसे आ जाते हैं और ये बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डिंग हो चुकी होती है लेकिन कैश बुक में अभी नहीं हुई होती। तो इसकी एग्जांपल्स क्या हैं कि कोई डिविडेंड रिसीव, टैक्स रिफंड, मतलब हम किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं और वहाँ से जो प्रॉफिट शेयर या डिविडेंड आना था वो डायरेक्ट हमारे बैंक में आ गया, बैंक स्टेटमेंट में उसकी रिकॉर्डिंग ही हो गई है, लेकिन बाई चांस हमने मंथ एंड डेट तक हमने कैश बुक में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की। टैक्स रिफंड, टैक्स रिफंड क्या है कि हम जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम क्योंकि ये एस्टिमेटेड टैक्स पे करना होता है तो वो अगर ज़्यादा पे हो गया है तो एक टाइम के बाद वो रिफंड हो जाता है हमें, तो वो जो रिफंड है वो डायरेक्ट बैंक में पैसे आ गए और बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डिंग भी हो गई है बाय द बैंक, लेकिन मंथ एंड डेट तक हमने उसको कैश बुक में अभी तक नहीं लिखा। अगर ऐसा है तो फिर भी बैलेंस सीरीज विल नॉट बी सेम, कि बैंक स्टेटमेंट में ये दोनों टर्म्स रिकॉर्ड हो चुकी होती हैं, कैश बुक में भी नहीं हुई होती, तो बैलेंस सीरीज सेम नहीं आता। इसके बाद है जी डिसऑनर्ड चेक्स या बाउंस्ड चेक, चेक बाउंस हो जाना, डिसऑनर हो जाना। ये क्या होता है कि एक चेक जो कस्टमर से हमें मिला, हमने उसको बैंक में डिपॉजिट भी करवा दिया, लेकिन बाद में पता चला कि हमारा जो कस्टमर का बैंक अकाउंट है उसमें पैसे नहीं है या उस चेक में कोई एरर है, सिग्नेचर वगैरह का मिस्टेक है एट्सेट्रा, तो क्या होता है कि वो चेक वापस आ जाता है और हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आते। तो क्या हुआ, इसकी रिकॉर्डिंग ज़रा समझें कि जब हमने चेक रिसीव किया फ्रॉम द कस्टमर तो एंट्री क्या होगी, हमने तो ज़ाहिर है रिकॉर्डिंग में क्या कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट और कस्टमर या डेटर अकाउंट क्रेडिट, लेकिन बाद में लेटर डेट्स में चेक अगर बाउंस हो जाता है या डिसऑनर हो जाता है तो हम क्या करेंगे, दोबारा से डेटर अकाउंट को डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो ये है डिसऑनर्ड चेक, जो कि अभी हम फॉर्मेट में सीख रहे थे कि एडजस्टेड कैश बुक में क्रेडिट साइड पे आना है। इसके बाद है जी अनडेबिटेड और अनप्रेजेंटेड चेक, अनक्रेडिटेड चेक। तो अनडेबिटेड चेक क्या है कि अ पेमेंट बाई चेक टू एनी सप्लायर टू एनी क्रेडिटर, लेकिन हमारा जो सप्लायर है, आवर सप्लायर हैज नॉट कैश्ड दैट चेक बिफोर द मंथ एंड डेट, दिस चेक पेमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन बैंक स्टेटमेंट अप टू द मंथ एंड डेट। तो बहुत ध्यान से समझें, हमने किसी सप्लायर को बाई चेक पेमेंट की लेकिन वो जो सप्लायर है उसने मंथ एंड डेट से पहले पहले वो चेक कैश नहीं करवाया। अब अगर कैश नहीं करवाया तो जाहिर है बैंक स्टेटमेंट में अभी तक वो पेमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई होगी हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है बैंक में, लेकिन हमने कैश बुक में लिख दिया हुआ है कि जी हमने फलां पार्टी को पेमेंट कर दिया, तो इस तरह से वो कैश बुक में तो रिकॉर्डिंग नजर आ रही होगी पेमेंट की लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने खुद ही समझा हुआ है कि एक चेक पेमेंट ऑन 29th December माइट बी एन अनडेबिटेड और अनप्रेजेंटेड चेक ऑन 31st December। हमने मंथ एंड डेट से एक दो दिन पहले जो चेक पेमेंट की तो वो कैश बुक में तो ठीक है, हमने एट द मोमेंट लिख दी, लेकिन मंथ एंड डेट तक बाई चांस हो सकता है कि वो अभी तक बैंक स्टेटमेंट में ये पेमेंट रिकॉर्ड ना हुई हो। तो ऑब्वियसली अगर ऐसा होगा तो दोनों डॉक्यूमेंट्स का, कैश बुक का और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस सीरी सेम नहीं आना। उसके बाद है जी अनक्रेडिटेड चेक, अनक्रेडिटेड चेक ये क्या है, अ चेक रिसीव फ्रॉम एनी कस्टमर और डेटर deposited into the bank but amount of this check has not been transferred to our bank account
अप टू द मंथ एंड डेट। देखें थोड़ी देर पहले हमने डिसऑनर्ड चेक को भी समझा, उसमें भी यही था कि पैसे नहीं आए, लेकिन उसकी रीजन क्या थी कि कस्टमर के अकाउंट में पैसे नहीं है या उस चेक में कोई एरर है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। सिर्फ क्या है कि ये जो चेक के थ्रू पेमेंट आनी होती है कस्टमर के अकाउंट से हमारे अकाउंट में, इट टेक्स टाइम। नॉर्मली जो इसका स्टैंडर्ड टाइम है वो 3 working days है। तो अगर हमने एक चेक मंथ एंड डेट से एक दिन पहले भेजा है तो जरूरी नहीं है कि ऑन द सेम डेट या उससे अगले दिन जो कि मंथ एंड डेट है उस दिन वो पैसे भी हमारे अकाउंट में आ चुके हों। अब अगर ऐसा होगा तो क्या होना है, ये रिसीविंग कैश बुक में तो हम रिकॉर्ड कर चुके होंगे लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अभी इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई होगी। सो दिस इज अनक्रेडिटेड चेक। सो ये हमने टर्म्स को समझा कि जो 5 components हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के, फॉर्मेट को अच्छे से आपने याद कर लेना क्या है, डेबिट क्रेडिट पे क्या आना एडजस्टेड कैश बुक में और प्लस माइनस क्या होना है। अभी हम एक क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें भी हमने ओपन किया था। ये देखें शेयर हो रहा है, ये पहले उधर कर लें। ये चीज अब हमने शो कर दी। आई थिंक यही है। सो कितनी दफा वो ओपन हुआ लेकिन शेयर नहीं हो रहा। पूरे से भी रिकॉर्डिंग तो हो जाए ना, बाद में कर लेंगे। Yes. Second one. Recording what else?
स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट आपको शेयर कर दी जाएगी। हेयर आर टू क्वेश्चन ओनली और ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है। सो इफ यू सी, ये क्या कह रहे हैं, एट 30th April 2011 आर एन एल एट अ डेबिट बैलेंस ऑन द बैंक कॉलम ऑफ देयर कैश बुक ऑफ 12,000 देयर बैंक स्टेटमेंट हाउ एवर शोड दैट द पार्टनरशिप हैड 9,000 इन द बैंक एट दैट डेट। तो क्या कह रहे हैं जी, कैश बुक का बैलेंस है 12,000 और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है 9,000, बोथ आर नॉट सेम, सो द नीड इज टू प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो सी पार्ट में देखें, ये क्या कह रहे हैं, अपडेट द कैश बुक, मतलब प्रिपेयर अपडेटेड कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक। और बाद में अलग से सेकेंड पार्ट में वो कहते हैं कि प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इस तरह से आपको जो फॉर्मेट भी सिखाया गया वो दो हिस्सों में सिखाया गया कि पहले हमने एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, एडजस्टेड कैश बुक बनानी है और देन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा जी, अब एडजस्टेड कैश बुक कैसे बनेगी, उसके लिए ये टर्म्स को समझें। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द बैंक स्टेटमेंट द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड। नंबर वन है जी बैंक चार्जेस, $250 appeared in the bank statement but had not been entered in the cash book. तो वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि एक पेमेंट है, बैंक चार्जेस, इट्स अ पेमेंट जो कि बैंक स्टेटमेंट में शो हो रही है और कैश बुक में नहीं है, कैश बुक में नहीं है। सो दिस इज डायरेक्ट डेबिट, डायरेक्ट डेबिट बैंक चार्जेस के नाम से। नंबर टू है जी checks received from customers amounting to 3750 had been entered in the cash book but had not been credited by the bank. तो अभी हमने समझा कि वो चेक जो हमें रिसीव हो जाए लेकिन अभी उसकी पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र ना हुई हो तो वो अनक्रेडिटेड चेक होता है। तो ये वही है, एक चेक हमें रिसीव हुआ फ्रॉम द कस्टमर और कैश बुक में हमने ये रिसीविंग लिख दी हुई है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में अभी इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। So this is 3750 क्या है, these are uncredited checks. Number 3, a check for $600 received from a debtor had been entered in the cash book but had been returned by the bank marked insufficient funds for payment. तो यहाँ पे अगेन हमें एक चेक रिसीव हुआ जो कि हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया लेकिन वो चेक बाउंस हो गया, मतलब वापिस आ गया इनसफिशियंट फंड्स की वजह से। तो इट्स अ डिसऑनर्ड चेक जो कि एडजस्टेड कैश बुक में क्रेडिट साइड पे आता है। नंबर 4 पे है जी चेक्स इशूड बाय द बिजनेस अमाउंटिंग टू $1600 रिकॉर्डेड इन द कैश बुक डिड नॉट अपीयर इन अप्रैल्स बैंक स्टेटमेंट। चेक्स इशूड मीन्स चेक्स पेमेंट्स, चेक्स पेड $16,000 के क्योंकि कैश बुक में ये पेमेंट शो हो रही है लेकिन अभी बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। सो दीज आर अनडेबिटेड चेक्स या अनप्रेजेंटेड चेक्स कि हमने सप्लायर्स को पेमेंट कर दी है लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे बैंक से ये चेक कैश नहीं करवाया। तो 4 टर्म्स आर देयर, इन चारों को हमने पहले समझ लेना है कि भाई कौन सी स्टेटमेंट किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। जैसा कि नंबर 1 डायरेक्ट डेबिट है, ये अनक्रेडिटेड है, ये डिसऑनर्ड चेक है और ये अनडेबिटेड चेक है। तो इसकी जरा मार्किंग स्कीम में आए। If you see, here is adjusted cash book, जो हम पहले बनाएंगे, ये cash book का balance है, bank charges जो कि direct debit थे वो आ गए, dishonored check credit side पे आ गए। तो direct credit यहाँ पे by chance कोई भी नहीं है, अगर कोई होता तो वो हम debit side पे लिखते। तो क्या होगा, 12,000 में जो दोनों values minus होंगी तो जो adjusted cash book balance है that is 111150 ये एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस है। तो ये एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस उठा के हम आगे ले आएंगे। अब यहाँ पे जो फॉर्मेट इस वक्त हमें नजर आ रहा है इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस एंड पे रखा हुआ है। हम अपने फॉर्मेट के मुताबिक इसको करेंगे जो अभी आपको फॉर्मेट सिखाया गया। हाँ, फॉर्मेट क्या था कि एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस, उसमें हम ऐड करते हैं अनडेबिटेड चेक्स और लेस करते हैं अनक्रेडिटेड चेक्स। आपने उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली करना है, देन यू विल सी के एट द एंड
जो बैंक स्टेटमेंट बैलेंस है वो 9000 आ जाएगा। ये इन्होंने चेंज किया और ये फॉर्मेट भी चेंज हो गया, इस पर हम लेटर ऑन बात करेंगे। इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड तो वो मैं आपको डिटेल बता दूंगा कि ये कैसे चेंज हो रहा है। लेकिन फिलहाल आपने क्या करना है कि जो आपको सिखाया गया, जैसा कि ये देखिए नीचे इन्होंने ब्रैकेट में दिया भी हुआ है, जो ब्रैकेट में इन्होंने सॉल्व किया हुआ ये वही है जो अभी हम पावर पॉइंट स्लाइड्स में ड्यूरिंग लेक्चर हम समझ रहे थे। ये क्या है कि जो एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस है उसमें अनक्रेडिटेड चेक को लेस कर रहे हैं और अनडेबिटेड को ऐड कर रहे हैं, और एट द एंड आप देख सकते हैं कि क्या बैंक स्टेटमेंट बैलेंस ही भी आ गया है या बैंक स्टेटमेंट बैलेंस आ गया। तो ये जो नीचे ब्रैकेट में सॉल्व किया जा रहा है हमने इस पैटर्न को फॉलो करना है। सो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ये आप खुद करेंगे, कोई बात अगर नहीं समझ आएगी तो वो इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन हमने स्टार्ट करना है, सो गुड लक। इफ यू हैव एनी क्यूरी प्लीज आस्क। लव इज एवान।